Hello and good morning to all. Have an amazing morning. I'm Prashant and today is February 6th and we are going to see the current affairs from the Hindu. ठीक है, तो आज कौन से important topics हम discuss करने वाले हैं? Let's try to see those topics. The first topic that we are going to discuss is Committee of Privileges in the Parliament. Okay? तो इसमें आपको हम parliamentary privileges क्या होते हैं? Parliamentary privileges की रिगार्डिंग कमिटी जो है इसका कंपोजिशन क्या होता है, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट हम देखने वाले हैं, विच इज रिगार्डिंग दी फ्रंट पेज इन दी न्यूज़पेपर। उसके बाद हमें देखना है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सिविल वॉर इन म्यांमार एंड इंडियाज इंटरेस्ट। ओके, तो म्यांमार में सिविल वॉर जैसी पोजिशन है अब, और उसमें एक्चुअली म्यांमार के जो इंसर्जेंट्स हम कह सकते हैं, रिबेलियंस जो है, दे हैव acquired or captured one of the city of Myanmar, और इसका अब इंडिया पे क्या इंटरेस्ट, इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या अफेक्ट होने वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें जीएस टू के रिगार्डिंग स्टडी करना है। देन स्मॉल विल डिस्कस स्मॉल टॉपिक ऑफ क्वाड। उसके बाद हमें डिस्कस करने हैं दो आर्टिकल्स फ्रॉम द एडिटोरियल, ठीक है, और इन डेप्थ अच्छा डिस्कशन हमारा होगा कि इस एडिटोरियल सेक्शन में दो आर्टिकल्स है, उसमें एक है रिगार्डिंग द स्वच्छ भारत मिशन और इसका क्रिटिकल व्यू, जहाँ ऑथर जो है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपको कुछ अच्छी चीजें भी हमें बताते हैं कि कैसी ये बड़ी अचीवमेंट है, एट द सेम टाइम क्या इसमें कुछ चैलेंजेस है, ओके, और कुछ एविडेंस बेस्ड चैलेंजेस एक्चुअली ऑथर इज टेलिंग ओवर हियर अस। तो ये हमें डिस्कस करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के हेल्थ सेक्टर के बारे में लास्ट हमारा आर्टिकल होगा जो हमें यहाँ डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल ओवर हियर। देखिएगा व्हाट हैज हैपेंड दैट रिसेंटली जो आपकी एमपी है, ओके, राज्यसभा एमपी है उनके संजय सिंह, इनका फिर से सेकंड टाइम ही हैज गॉट इलेक्टेड टू द राज्यसभा। ओके, इनका राज्यसभा में फिर से इलेक्शन हुआ है, लेकिन हुआ क्या है कि ही वॉज नॉट अलोड, और वेदर से ही वॉज नॉट इन्वाइटेड फॉर द ओथ टेकिंग सेरेमनी। अब जब आप एमपी बनते हो तो यू शुड बी इन्वाइटेड टू द ओथ टेकिंग सेरेमनी, बट ही वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द ओथ टेकिंग सेरेमनी डिस्पाइट द ऑर्डर फ्रॉम दिल्ली कोर्ट। ओके, दिल्ली कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया लेकिन उनको ओथ टेकिंग सेरेमनी में राज्यसभा में बुलाया नहीं गया था, और फिर उसका रीजन क्या था, रीजन वाज दैट कि ऑलरेडी ओके उनके अगेंस्ट कुछ केसेस पेंडिंग्स है इन प्रिविलेज कमिटी ऑफ राज्यसभा। ओके, राज्यसभा की जो प्रिविलेज कमिटी है उसमें उनके ऑलरेडी उनके अगेंस्ट कुछ केसेस, एक्चुअली ऑलमोस्ट 4 केसेस आर पेंडिंग। ओके फाइन, तो टिल दोस केसेस आर पेंडिंग ही इज ऑलरेडी बीन सस्पेंडेड। तो राज्यसभा चेयरमैन जो है इनका कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बिकॉज केसेस आर पेंडिंग, ओके, वी हैवंट इनवाइटेड हिम। ओके, और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और प्रिविलेज कमिटी जो है इसको हमें डिस्कस करना है। देखिएगा व्हाट आर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, सिंपल एस्पेक्ट है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर सर्टन राइट्स एंड इम्यूनिटीज एंजॉयड बाय द पार्लियामेंट एंड द एमपीज। एज अ पार्लियामेंट एज अ इंस्टीट्यूशन जो है इसको कुछ राइट्स और इम्यूनिटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या बाकी कुछ लॉज है, कन्वेंशन ये देते हैं। ओके, एज वेल एज एमपी जो होते हैं उनके भी कुछ राइट्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, इसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और ऑफ कोर्स ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज विदाउट दिस प्रिविलेजेस, विदाउट दिस राइट्स एंड इम्यूनिटीज, द पार्लियामेंट एंड इंडिविजुअल एमपीज मे नॉट बी एबल टू फंक्शन दैट वेल। ओके, और इसलिए उनको ये कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। तो कैसे प्रिविलेजेस होते हैं, देखिए दो टाइप के प्रिविलेजेस होते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। एक होता है कलेक्टिव प्रिविलेज, कलेक्टिव प्रिविलेज मतलब ये कलेक्टिव कंप्लीट जो पार्लियामेंट होती है एज एन इंस्टीट्यूशन, ओके, इसके प्रिविलेजेस होते हैं। और दूसरे होते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, मतलब जो इंडिविजुअल एमपीज होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस हर इंडिविजुअल एमपी के अपने कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। ओके, तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस में क्या क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट हैज राइट टू पब्लिश इट्स रिपोर्ट्स, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स। ओके, तो ये पार्लियामेंट का अपना राइट है। ओके, और ये डिबेट्स प्रोसीडिंग्स को अगर पार्लियामेंट कह दे कि किसी और ने पब्लिश नहीं करना चाहिए तो भी पार्लियामेंट कर सकता है। तो बेसिकली इट हैज एबिलिटी टू प्रिवेंट अदर्स टू पब्लिश समथिंग, ओके, एंड इट हैज आल्सो एबिलिटी टू प्रिवेंट, वी कैन से पब्लिश इट्स ओन रिपोर्ट्स। ओके, फिर उसके साथ साथ हाउ टू गवर्न इट्स प्रोसीजर, पार्लियामेंट का फंक्शनिंग कैसे होना चाहिए, कैसे उसका शेड्यूलिंग होना चाहिए, क्या है, ये सबके अधिकार पार्लियामेंट के खुद के पास होते हैं, कोर्ट नहीं डिटरमाइन कर सकता। ओके, सो उसका पार्लियामेंट का प्रिविलेज है। ओके, इसके साथ साथ अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को सम्मन करना है, उसको कहना है कि आप अटेंड करना है आपको पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट की कमेटी के सामने आपको हाजिर रहना है, तो ये भी पार्लियामेंट इनिशिएट कर सकता है इस तरीके का सम्मनिंग। ओके फाइन, फिर पार्लियामेंट जो भी प्रोसीडिंग्स होती है इसके रिगार्डिंग कोई इन्वेस्टिगेशन या कह सकते हैं इंक्वायरी जो है कोर्ट द्वारा नहीं की जा सकती, ये सारे कलेक्टिव प्रिविलेजेस होते हैं पार्लियामेंट के।
ओके. सिमिलर वे इंडिविजुअल एमपीज के पास भी अपने कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस होते हैं. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सिविल मैटर्स, जो सिविल केसेस होती है, ओके, इन केस ऑफ सिविल केसेस अ एमपी कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ लेजिस्लेटर. अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो उस वक्त एमपी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता. ओके. एंड सेशन के 40 डेज बिफोर एज वेल एज 40 डेज आफ्टर भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है. ओके. इन केस ऑफ सिविल मैटर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज वन ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ओवर हियर. ओके. क्रिमिनल केसेस में ये नहीं होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के सिचुएशन में ये प्रिविलेज नहीं होता है, बस ये प्रिविलेज सिविल केसेस में होता है. ओके. इसी तरीके से पार्लियामेंट्री जो मेंबर्स होते हैं, दे हैव फ्री फुल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन पार्लियामेंट इटसेल्फ. ओके. सो एनी स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय द एमपी इन पार्लियामेंट, एनी स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय द एमपी इन एनी सॉर्ट ऑफ कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड इन एनी कोर्ट. ओके. तो ये इंडिविजुअल एमपीज के ऐसे कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, और भी कुछ ऐसे प्रिविलेजेस है, बट फ्यू वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर. ओके. अब ये हुए प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट के मेंबर्स. ओके. बट व्हाट अबाउट द कमिटी ऑन प्रिविलेजेस? ओके. अब देयर इज अ कमिटी ऑन प्रिविलेजेस इन द पार्लियामेंट, इसका कंपोजिशन क्या होता है? ओके. फाइन. तो कमिटी ऑन प्रिविलेजेस इन द पार्लियामेंट जो होती है, ये बेसिकली क्या करती है, जो भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के केसेस होते हैं पार्लियामेंट के, ओके, इसको इन्वेस्टिगेट करना और उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन करना, इसका काम है कमिटी ऑन प्रिविलेजेस का. ओके. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब क्या है कि ऐसा कोई एमपी का बिहेवियर हो सकता है, मिनिस्टर्स के बिहेवियर हो सकते हैं, या फिर ओवरऑल पार्लियामेंट के रिगार्डिंग ऐसे बिहेवियर हो सकते हैं विच कैन कास्ट रिफ्लेक्शंस ऑन द एमपीज एंड पार्लियामेंट, उसके अगेंस्ट जाता है, पार्लियामेंट्री बिहेवियर के अगेंस्ट जाता है. ओके. उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जा सकता है. ओके. फाइन. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एमपी है और हमेशा पार्लियामेंट के वेल में आ रहा है, वहां लेट से उसके पास कोई कागज है, ये कागज उसने एक्चुअली फेंक दिया वैसे पार्लियामेंट में, ऐसी चीजें होती रहती ना, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बीच ऑफ प्रिविलेजेस इन द पार्लियामेंट. ओके. तो इसके बीच ऑफ प्रिविलेजेस की केसेस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देयर इज अ कमिटी दैट इज कॉल्ड एज अ कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस इन पार्लियामेंट. इसका कंपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके. इस पर्टिकुलर कमिटी जो होती है, ये दोनों राज्यसभा में भी होती है और लोकसभा में भी होती है. ओके. राज्यसभा में जो ये कमिटी होती है, इसमें 10 मेंबर्स होते हैं, 10 एमपीज फ्रॉम राज्यसभा विल बी नॉमिनेटेड टू दिस कमिटी. ओके. और लोकसभा में जो कमेटी होती है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं. ओके. लोकसभा की कमेटी इज हेडेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा. ओके. राज्यसभा की कमेटी इज हेडेड बाय द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ओके. सो दिस इज समथिंग वी शुड अंडरस्टैंड कि किसको कौन इसको हेड करता है. मेंबर्स यहां नॉमिनेट किए जाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. और राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं, लोकसभा की कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं. ओके. और ये कमेटी विल ऑफकोर्स इंक्वायर दी एनी क्वेश्चन इन्वॉल्विंग द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. ओके. तो ये डिटरमाइन करता है बाय टेकिंग दी फैक्ट्स कि वेदर अ पार्लियामेंट्री मेंबर हैज ब्रोकन द प्रिविलेज और देयर इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और नॉट. ओके. अगर है तो क्या एक्शन लेनी चाहिए, उसके रिकमेंडेशन से देता है. ओके. लेकिन उस और फिर एक रिपोर्ट एक्चुअली क्रिएट करती है कमेटी. ओके. देन दैट रिपोर्ट इज गिवन टू द स्पीकर इन केस ऑफ लेट्स से लोकसभा. ओके. और फिर जो स्पीकर है वो डिसाइड करते कि लोकसभा में लेट से ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं वेदर ही वांट्स टू टेबल द रिपोर्ट और वेदर ही वांट्स टू टेक सर्टन एक्शन रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट. सेम थिंग विल हैपन इन द राज्यसभा इटसेल्फ. तो फाइनल डिसीजन कहीं ना कहीं स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन के रिगार्डिंग जो है यहाँ होता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके. चलो इसका कॉम्पोजिशन याद रखना, ये प्रिलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन होता है. ओके. और ये कमेटी रिसेंट कुछ महीनों में काफी न्यूज में है, तो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज म्यांमार सिविल वॉर एंड इंडियाज इंटरेस्ट. अब ये इंडिया को काफी ओके इंडिया के रिस्पेक्ट में, ये काफी इंडिया के सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, फॉरेन रिलेशंस के रिस्पेक्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके. थिंग्स आर हैपनिंग इन म्यांमार, लेकिन इसका इंडिया पे रिगार्डिंग क्या इफेक्ट हो सकता है, GS2 का जो हमारा टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक है. ओके. तो देखिएगा व्हाट इज हैपनिंग इन म्यांमार बेसिकली. अब म्यांमार में एज सच अगर देखा जाए तो देर इज अ सम सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो. चेकर्ड हिस्ट्री है म्यांमार की, कि कभी यहाँ डेमोक्रेसी होती है, कभी यहाँ मिलिट्री रूल होता है. ओके. तो फेब्रुवरी 2021 में म्यांमार में क्या होता है कि वहां की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है उसको ओवरथ्रो किया जाता है. ओके. उनका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, दैट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑंग सान सू की. ओके. शी वॉज अरेस्टेड. और ये जो पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दैट वाज ओवरथ्रोन. और वहां म्यांमार में आ जाता है मिलिट्री रूल. ये मिलिट्री जनता का रूल इसको कहा जाता है, मिलिट्री जनता का रूल जो है. ओके.
यहाँ जुनता मतलब जनता नहीं होती है हमारी, ठीक है, जुनता मतलब जो मिलिट्री वहां ग्रुप है, इसका रूल यहाँ आ जाता है। तो तब से म्यांमार में अगर देखा जाए तो ये मिलिट्री जुनता का रूल है। ओके, बट उसके बाद म्यांमार में क्या हो चुका है कि काफी सारे ऐसे रिबेलियन ग्रुप्स जिनको हम कह सकते हैं, या म्यांमार मिलिट्री शायद उनको रिसर्जेंट्स कह सकती है। ओके, ऐसे रिसर्जेंट्स एथनिक ग्रुप्स जो है म्यांमार में कहीं ना कहीं रिसर्फेस हुआ। ओके, और अपने अपने एरिया में ये रिसर्जेंट्स ग्रुप्स जो है दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द मिलिट्री देयर। ओके, एंड दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द एरिया ऑफ द म्यांमार। ओके, तो जिनको हम कह सकते हैं म्यांमार की कुछ एथनिक आर्म ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, या कुछ लोग उनको पीपल्स डिफेंस फोर्सेस भी कहते हैं। ये अपने अपने एरिया में जहां जहां वो एथनिक बेस्ड ऐसे ग्रुप्स है दे आर ट्राइंग टू फाइट एंड दे आर ट्राइंग टू कैप्चर द डिफरेंट एरिया ओवर हियर। तो अब ऐसा हो चुका है म्यांमार में कि काफी सारे ऐसे टाउन्स है दे आर एक्चुअली कैप्चर्ड बाय दिस एथनिक फोर्सेस। ओके, और उसमें रिसेंटली क्या हुआ कि उसी में एक रिसर्जेंट ग्रुप्स है जिसको कहा जाता है अराकन आर्मी। अब ये अराकन आर्मी मतलब म्यांमार की मिलिट्री नहीं है, ठीक है, ये अराकन आर्मी आपको एक सॉर्ट ऑफ रिविलियन ग्रुप है। और इसने क्या किया है, म्यांमार का ये मैप में आपको दिख रहा होगा, ये दिस इज कॉल्ड द चीन स्टेट ऑफ म्यांमार। ओके, और इस चीन स्टेट ऑफ म्यांमार में ये जो टाउन है, ओके, पलेतवा टाउन शायद इसको कह सकते हैं, ये जो टाउन है ये टाउन है इसने कैप्चर किया है। ओके, और उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हमें देखना है कि अगर यहां तक इतने स्ट्रॉन्ग अगर ये रिसर्जेंस ग्रुप बन चुके हैं, मल्टीपल रिसर्जेंस ग्रुप्स आर देयर, एक ऐसा नहीं है, काफी सारे हैं। ओके, फाइन, तो ये मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अराकन आर्मी। ओके, फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, देन देयर इज तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी। ओके, तो ये तीन मेन ग्रुप्स है जो खुद को थ्री ब्रदरहुड अलायंस कहते हैं एक्चुअली। तो ये ऐसे ग्रुप जो है ये मल्टीपल एरिया म्यांमार में कैप्चर कर रहा है, और उसमें ऑलरेडी चीन स्टेट में ये पर्टिकुलर टाउन जो है ये कैप्चर हो चुका है। ओके, अब इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, इंडिया पे इसका कैसे इफेक्ट हो सकता है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां थोड़ा सा मैप में देख लीजिएगा, यू विल सी ओवर हियर, यहां हमारी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बाउंड्री है। ओके, यहां बांग्लादेश है, दिस इज बांग्लादेश ओवर हियर। ओके, या हमारा त्रिपुरा है या हमारा मिजोरम है, ऊपर फिर मणिपुर नागालैंड इज देयर, ठीक है, तो मणिपुर एंड नागालैंड इज देयर। तो ये जो चीन स्टेट स्पेशली है और ये जो यहाँ के सारे टाउन्स है, ओके, इसकी एक तो बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है और दूसरी हमारे मिजोरम के साथ, आगे मणिपुर इनके साथ है। ओके, तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के साथ चीन स्टेट की कहीं ना कहीं बाउंड्री है, और यहाँ रिबिलियंस या इंसर्जेंट से अराकन आर्मी इज गेटिंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट टाउन लाइक पलेटवा ऑल्सो ओवर हियर। ओके, तो ऑफकोर्स यहाँ इंडिया की स्पेशली बॉर्डर है, इसके सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इशू इज देयर। ओके, फाइन, अब सेकंड इशू यहां क्या है देखिएगा, सेकंड इशू इज रिगार्डिंग द इंडिया कलादान प्रोजेक्ट। ओके, फाइन, बैक इन 2008 इंडिया हैज लॉन्च समथिंग कॉल्ड एज कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो ये क्या करता है, इंडिया के कोलकाता से, कोलकाता को म्यांमार के थ्रू, ओके, हमारे ऑलमोस्ट मिजोरम से कनेक्ट करता है। ओके, कोलकाता को आप कह सकते हो म्यांमार के थ्रू हमारे मिजोरम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। ओके, और ये कलादान प्रोजेक्ट जो है ये भी अभी खतरे में है। ओके, और ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द इशू ओवर हियर। ओके, देखिए, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट इसका, इसका समझ लीजिएगा। देखिएगा, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट, हमारे यहाँ हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट जो यहाँ स्टेट्स है, ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है इंडिया के, ओके, ये लैंडलॉक स्टेट्स है। ओके, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सी। ओके, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करना है, हमारे हमारी कनेक्टिविटी जो है ये मेन कनेक्टिविटी ये होती है इस नैरो कॉरिडोर से। ओके, और इसको कहा जाता है सिलगुरी कॉरिडोर। ओके, सो इंडियाज मेन लैंड इज कनेक्टेड टू नॉर्थ ईस्ट थ्रू दिस नैरो सिलगुरी कॉरिडोर ओवर हियर। बट प्रॉब्लम ये है कि ये काफी स्मॉल नैरो लैंड स्ट्रिप है। ओके, और चाइना जो है इस पे कभी भी अटैक कर सकता है, मतलब इन केस ऐसा हो जाए, चाइना इसके काफी करे भी, देखिएगा चाइना ऑलमोस्ट यहां तक आ चुका है। ओके, फाइन, तो चाइना अगर इसको ब्लॉक करने का ही ट्राई कर दे और सक्सेसफुल हो जाए अगर उसमें, ओके, अभी अगर ऐसा हो जाए लेट्स से अनफॉर्चुनेटली, तो उन केस में तो कंप्लीटली ये ब्लॉक हो गया कॉरिडोर और हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है इंडिया से कट ऑफ हो जाएगा। ओके, तो उसको ऑल्टरनेट रूट हमारे पास होना चाहिए। तो एक रूट तो ऑलरेडी है कि सिलगुरी कॉरिडोर से वी आर गोइंग, बट ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस है, कॉस्टली भी है और स्ट्रेटेजिकली भी थोड़ा डेंजरस है। ओके, अगर
दूसरा रूट जो हो सकता है बांग्लादेश के थ्रू हम जा सकते हैं, विच वी आर ट्राइंग टू डू, वो भी कहीं ना कहीं एक रूट होता है हमारा अब, लेकिन उसको ऑल्टरनेटिव और एक रूट हमने कहीं ना कहीं क्रिएट किया है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज दी कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वी दिस प्रोजेक्ट हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, मल्टीपल डिलेज आर हैपनिंग इन दैट। इस कलादान से मतलब कोलकाता से, ओके, देयर विल बी दिस सी ट्रांसपोर्ट होगा, फाइन, बे ऑफ बंगाल में, और फिर यहां एक सिटवे म्यांमार में सिटवे पोर्ट इज देयर, यहां तक हमारी कंसाइनमेंट जाएगी, ओके, फिर सिटवे पोर्ट से आके जो ट्रांसपोर्ट होगा इस यहां तक, ये पलेटवा तक, ओके, ये होगा कलादान रिवर के थ्रू, यहां रिवर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर उसके आगे जो इंडिया के इस तक जो ट्रांसपोर्ट होगा ये रोड के थ्रू होगा, ओके। अब प्रॉब्लम ये हो चुका है कि इफ दिस इंसर्जेंट्स आर कैप्चरिंग दिस पर्टिकुलर एरिया, तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना डिफिकल्ट है हमारे लिए, ओके, ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट काफी डिले हो चुका है, ओके, बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस, ओके, उसमें हमने ये सिटवे पोर्ट जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, ओके, फाइन, फिर से पलेटवा में एक टर्मिनल जो है रिवर ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग वी हैव कंप्लीटेड, लेकिन आगे का रोड कंप्लीट होना अभी भी बाकी है, काफी उसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज है। अगर अब यहां इस तरीके से ये इंसर्जेंट ग्रुप्स इसको कैप्चर करते तो फिर देयर इज एन इशू, ओके, और कहा जाता है कि ये जो अराकन आर्मी है, ये अराकन आर्मी जो है ये इस पर्टिकुलर रोड प्रोजेक्ट और इसके अगेंस्ट है, ओके, तो ऑफकोर्स इंडिया के कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए दिस इज वेरी वी कैन से हार्मफुल थिंग ओवर हियर, ओके, राइट। सो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ऑल दिस इंसर्जेंट ग्रुप्स, स्पेशली ये जो थ्री ब्रदरहुड अलायंस मैंने आपको कहा था, ये कहते हैं कि दे हैव सपोर्ट ऑफ चाइना, ओके, तो देखिएगा ये इंसर्जेंट से उनको चाइना का सपोर्ट है, दे आर क्लेमिंग दैट, ओके, राइट, और दे आर ऑल्सो सेइंग कि दे आर गेटिंग फंडिंग फ्रॉम चाइना, दे आर गेटिंग मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम चाइना, तो चाइनीज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ इंडिया के बॉर्डर पे हो चुका है, ओके। तीसरा है कि चाइना का डायरेक्ट प्रेजेंस, लीगल प्रेजेंस भी इंडिया के बॉर्डर पे हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ओके, इकोनॉमिक प्रेजेंस उनका। चाइना कुछ नेचुरल गैस फील्ड्स है वो म्यांमार में इंडिया के बॉर्डर पे वहां कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है, ओके, फाइन, गैस की पाइपलाइन जो है वो क्रिएट कर रहा है, ओके, तो इस तरीके से चाइना भी वी कैन से कि इस एरिया में अपना इकोनॉमिक प्रेजेंस एज वेल एज इनडायरेक्ट मिलिट्री प्रेजेंस जो है वी कैन से यहां बढ़ा सकता है, बढ़ा रहा है, ओके, तो इसलिए ये इंसर्जेंसी कम हो ये इंडिया के इंटरेस्ट में है काफी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। चलो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड समिट, ओके, एंड व्हाट इज द न्यूज ओवर हियर। न्यूज ये है कि यूएसएनवाई हैज सेड कि जो क्वाड समिट जो है दैट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन आफ्टर द यूएस पोल्स। अब यूएस में इलेक्शन इज गोइंग टू हैपन, ओके, इलेक्शन का तो आपको यूएस में माहौल बन चुका है, तो यूएस के इलेक्शन जो नवंबर में होने के बाद एक्चुअली जो है, और या फिर हम कह सकते हैं कि 2024 के एंड में ही कोई ना कोई क्वाड की जो ये प्रोडक्टिव समिट जो है हो सकती है, वो एक्चुअली कह रहे हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन इन यूएस हो रही है, ओके, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है व्हाट इज क्वाड ओवर हियर, ओके, तो क्वाड मतलब क्या है, इट्स क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ओके, या सिंपली इसको हम क्वाड कहते हैं। तो इसमें फोर कंट्रीज आर देयर, आर वी कैन से बिग फोर आर देयर, कौन से है, यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ओके, और इन चार कंट्रीज का ये यहाँ पे एक काइंड ऑफ डायलॉग इज देयर, ओके, तो क्वाड के बारे में थोड़ा हिस्ट्री आप समझ लीजिएगा, ओके, दिस इज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई ऐसे ब्रिक्स जैसा, ओके, या बाकी जो ग्रुपिंग्स होती है वैसे फॉर्मल ग्रुपिंग्स नहीं है, एक इनफॉर्मल आप कह सकते हो एक लूज डायलॉग है चार कंट्रीज का रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड अदर एस्पेक्ट्स ओवर हियर, तो उसका कोई ऐसा फिक्स एजेंडा भी नहीं है, ओके, तो ये क्वाड की आइडिया 2007 में फर्स्ट टाइम आप कह सकते हो कि क्रिएट हुआ था, ओके, जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे जो है ही हैड प्रपोज्ड कि ऐसा कोई अलायंस या एक लूज कहीं ना कहीं टॉक होना चाहिए ऑफ दिस फोर कंट्रीज, ओके, तो 2007 में स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद इतने डायलॉग हम इनके नहीं दिखते हैं। 2017 में हाउएवर यू विल फाइंड कि अगेन दिस गॉट रिवाइव्ड, ओके, और मेनली कहा जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ द चाइना एंड चाइनाज चैलेंज इन दिस पर्टिकुलर रीजन, चाहे वो पैसिफिक ओशन में हो चाहे इंडियन ओशन में हो, और ओवरऑल यूएस और बाकी कंट्रीज का जो चाइना का चैलेंज है उस रिस्पेक्ट में एक्चुअली ये ग्रुपिंग जो है उसको काउंटर करने के लिए फिर से रिवाइव की गई, ओके, और फिर ये क्वाड लीडर्स कोविड-19 के टाइम पे दे हैड इवन मेट वर्चुअली दैट टाइम, दे रिलीज अ जॉइंट स्टेटमेंट ऑल्सो दैट टाइम, ओके, तो इस तरीके से ये क्वाड का जो है प्रोग्रेस हो चुका है अभी तक का, ओके, अब सिग्निफिकेंस क्या है इस पर्टिकुलर अलायंस का, लेट्स से, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है, ओके, बट इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें अगर चार कंट्रीज अगर आप देखो, यूएस है,
इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है. ऑल दिस कंट्रीज फर्स्ट ऑफ ऑल हैव सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट द चाइना. ओके, चाइना का जो डोमिनेशन है, ओके, ये इसके साथ एक्चुअली इन सारे चार कंट्रीज को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, कुछ ना कुछ इश्यूज है. ओके, तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी आप कह सकते हो कि एक इनडायरेक्ट अलायंस है. फाइन, दैट इज अ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर. सेकंड एस्पेक्ट ये है कि जो रीजनल सिक्योरिटी है इंडिया पैसिफिक ओशन में, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है साउथ चाइना सी बाकी पैसिफिक ओशन में, ओके, इसको सिक्योर करने के लिए भी ये ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस ग्रुपिंग कैन ऑल्सो लीड टू द इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग दिस फोर कंट्रीज. ओके, फाइन, कैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि ऑलरेडी 2022 मई 2022 में क्वाड कंट्रीज डिसाइडेड कि 50 बिलियन डॉलर जो है दे विल स्पेंड इन दिस पर्टिकुलर रीजन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन. फाइन, मैरिटाइम सिक्योरिटी कैपेसिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये. और आपको ऑलरेडी पता होगा कि मलबार जो एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज, ओके, इसमें ये चार कंट्रीज के ही कहीं ना कहीं नेवी जो है पार्टिसिपेट करती है. ओके, सो दिस इज हाउ इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना फॉर इकोनॉमिक ओवरऑल वी कैन से कोऑपरेशन इन द रीजन. ओके, सिक्योरिटी ऑफ द दिस मैरिटाइम ट्रेड एंड ऑल दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी है. चैलेंजेस ये है कि देखिएगा, इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर इज नॉट देयर. ओके, कोई पर्टिकुलर एजेंडा जो है, फॉर्मल एजेंडा, ये इसका नहीं है, इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग का. ओके, फाइन, अगर ये ग्रुपिंग बस एक ही इसका अगर एस्पेक्ट होगा, इनडायरेक्ट एस्पेक्ट ये कि चाइना को काउंटर करना, तो भी इस ग्रुपिंग का कोई ऐसा वाइड स्प्रेड एजेंडा नहीं होगा फिर, कि नहीं बस चाइना के ही काउंटर करना. ओके, तो वो भी कुछ वाइड स्प्रेड एजेंडा एज सच नहीं हो सकता है. तो एग्जैक्टली हाउ दिस ग्रुपिंग इज गोइंग टू फंक्शन इन द फ्यूचर. ओके, क्या इसके कुछ मिलिट्री एम है? ओके, क्या इस ग्रुपिंग के कुछ स्पेशली बस काउंटरिंग चाइना ही एम है, या कुछ इकोनॉमिक एम है, या सारे ये कॉम्प्रेहेंसिव एम है, इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी जो हम कह सकते हैं, या फॉर्मल कोई एज सच डॉक्यूमेंट देर इज नॉट देयर, दैट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ओवर हियर. ओके, चलिए, तो ये तीन हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी तक लिख लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एडिटोरियल सेक्शन ओवर हियर. वी आर डिस्कसिंग थिंग्स इन क्वाइट कॉम्प्रेहेंसिव वे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, तो इस कॉम्प्रेहेंसिव वे में हम चीजें देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इनडेप्थ भी मैं कभी कभी डिस्कशन करता हूँ कुछ टॉपिक्स की, और मल्टीपल टॉपिक्स इंक्लूड करने का ट्राई करता हूँ यहाँ. ओके, नाउ वील गो टू द नेक्स्ट एडिटोरियल सेक्शन आर्टिकल, दैट इज क्रिटिकल व्यू ऑफ सैनिटेशन मिराकल इन रूरल इंडिया. ओके, तो क्या है आर्टिकल? दिस आर्टिकल इज अबाउट द इंडियाज अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. ओके, बट ऑल्सो सर्टन चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग ओवर हियर. ओके, तो अच्छा आर्टिकल है, बैलेंस्ड आर्टिकल है. सो लेट्स ट्राई टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल ओवर हियर. ओके, अब देखिएगा कि व्हाट ऑथर इज सेइंग इज दैट इन लास्ट पास्ट डिकेड, ओके, इंडिया का अगर आप देखो तो एक पब्लिक पॉलिसी मिरेकल जिसको कहा जा सकता है वो है इंप्रूवमेंट इन इट्स सैनिटेशन. इंप्रूवमेंट इन इट्स सैनिटेशन स्ट्रक्चर, ये एक पब्लिक पॉलिसी मिरेकल है. दैट्स व्हाट ऑथर इज सेइंग. ओके, कि और याद रखिएगा, ये जो एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन है, ओके, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिक्स का पार्ट है. सो गोल सिक्स जो है ऑफ एसडीजी, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो वाटर एंड सैनिटेशन के अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है. तो ये एसडीजी गोल सिक्स है, तो इसमें ऑफ कोर्स वी आर डूइंग अ वेरी गुड अचीवमेंट. दैट्स व्हाट ऑथर इज सेइंग. ओके, और ऑथर ये कह रहे कि देखिएगा, ये जो सैनिटेशन प्रोग्राम्स है इंडिया की, इसकी हिस्ट्री जाती है एज लॉन्ग एज 1986. ओके, कि तब भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे, बट स्पेशली आफ्टर 2014 यू विल फाइंड, ओके, कि 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की फेज वन लॉन्च होती है, एंड दिस मिशन हैज डन मिरेकल्स इन इंडिया. ओके, दैट्स व्हाट ऑथर इज एक्चुअली सेइंग ओवर हियर. क्या ऐसा एक्चुअली अचीवमेंट है स्वच्छ भारत मिशन की? ओके, क्या अचीवमेंट है? द फर्स्ट अचीवमेंट इज कि 2014 में इंडिया में जो टॉयलेट का कवरेज है, ओवरऑल जितने हाउस होल्ड में टॉयलेट्स होते थे, ओके, ये होते थे 39%. ओके, बाय 2019 दे आर नाउ 100%. ऑलमोस्ट एवरी हाउसहोल्ड, ऑलमोस्ट एवरी हाउसहोल्ड इन इंडिया नाउ वी हैव टॉयलेट्स ओवर हियर. तो एक सैनिटेशन कवरेज जो ऑलरेडी हो चुका है. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओवर हियर. देर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया विच आर एक्चुअली ओपन डेफिकेशन फ्री नाउ. पीपल विल नॉट डेफिकेट ओपनली, दे विल गो एंड यूज द टॉयलेट्स ओवर हियर. ओके, तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट है. ओके, उसके साथ साथ अगर आप देखा जाए तो ऑलरेडी इस स्वच्छ भारत मिशन का फेज टू भी अब लॉन्च हो चुका है. फेज टू क्या है कि पहले फेज में लेट्स से मेनली टॉयलेट्स बिल्डिंग और बाकी एस्पेक्ट में फोकस किया गया, मेनली कह रहा हूँ, बाकी भी फोकस थे उसके, लेकिन अब सेकंड फेज में क्या है, इसी अचीवमेंट को और सस्टेनेबल बनाना है.
तो वेस्ट मैनेजमेंट पे अब ज्यादा प्रमोशन किया जाएगा, जो ऑलरेडी टॉयलेट्स है उसको यूज करने में ज्यादा प्रमोशन अब किया जाएगा। फाइन, तो दिस इज, और जो पहले फेज में जहां टॉयलेट्स एक्चुअली नहीं बने थे, अब उसको में यहां बनाया जाएगा। तो दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट दैट इज ऑथर इज से। ओके, बट ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सर्टन चैलेंजेस ओवर हियर। ओके, और चैलेंजेस क्या है, देखिएगा, ओनली बाय बिल्डिंग टॉयलेट्स इज नॉट सफिशियंट। ओके फाइन, कि हैविंग टॉयलेट इज नॉट सफिशियंट, उसका यूज होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और उस यूज में, मतलब उस बिहेवियरल पैटर्न में कुछ इश्यूज है। और क्या इश्यूज है, देर आर मल्टीपल सर्वेज रिगार्डिंग दैट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ सर्वे विच वॉज डन इन बिहार, जहां ये पाया गया कि पीपल हैड द टॉयलेट्स, बट दोज पीपल हु हैड टॉयलेट्स, उसमें से 38% पीपल डिड नॉट यूज इट। ओके, सिमिलर वे, मतलब 38% ऑफ द फैमिलीज में एटलीस्ट वन मेंबर डिड नॉट यूज इट। ओके, सिमिलर वे इन बिहार, इन गुजरात ऑल्सो। ओके, कि पीपल, दोज पीपल हु हैड एक्सेस टू टॉयलेट्स, ओके, उस फैमिलीज में, उस हाउस होल्ड में एटलीस्ट वन मेंबर ऐसा होगा। ओके, मतलब 50% ऐसे फैमिलीज है जिसमें एटलीस्ट वन मेंबर ऐसा है कि दे हैवंट यूज द टॉयलेट। ओके ओके, तो ऐसा जो बिहेवियरल पैटर्न है, इसमें काफी इश्यूज है कि यू हैव टॉयलेट नाउ, यू हैव एक्सेस, बट एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ 50% फैमिलीज इन गुजरात, दे आर एक्चुअली नॉट यूजिंग इट। ओके, तो ये बिहेवियरल इश्यू जो है, इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। और व्हाई दे आर डूइंग दिस, इसके काफी सारे रीजंस दिए गए हैं। एक तो कुछ कुछ लोगों ने कहा, कुछ भी रीजन नहीं दिया है, दे आर सिंपली नॉट यूजिंग इट। ओके, देर आर सम पीपल, उन्होंने रीजन दिया कि क्वालिटी, दे आर सेइंग कि जो बिल्ड क्वालिटी टॉयलेट्स की, ये अच्छी नहीं है, जो सब स्ट्रक्चर है टॉयलेट का। ओके, ये सब स्ट्रक्चर, जो टॉयलेट पॉट वगैरह है, ये कोलैप्स हो चुका है काफी सारे हाउस होल्ड्स में। ओके, दैट्स वाई दे आर नॉट यूजिंग, तो क्वालिटी का इशू है। दूसरा है, दोज हु आर नॉट गिविंग एनी रीजन, मतलब वो तो उनका बिहेवियरल इशू है, कहीं ना कहीं सोशल एस्पेक्ट उसमें आता है। ओके, तीसरा, कहीं ना कहीं यहाँ पे रीजन जो दिया गया है, और ये काफी अच्छा, मतलब अगर आप देखना स्टडी है, कि ऑथर इज सेइंग कि ऑफकोर्स द बेटर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द हाउस होल्ड, देर आर मोर चांसेस दे आर गोइंग टू यूज द टॉयलेट। लेकिन इसका लिंकेजेस साइज ऑफ हाउस होल्ड के साथ भी है। ओके, तो अगर अगर फैमिली की साइज बड़ी है, इफ फैमिली साइज इज बिगर, इन दैट केस, ओके, there are certain members of the family who may not use that particular toilet, क्योंकि overcrowding शायद हो सकता है। तो ऐसे families को शायद multiple toilet should be there. Let's say एक ही family में 15 people are there and all of them have one toilet over in rural area. Okay, so not all of them will use that particular toilet. They might go outside some of the members and they'll use that. Okay, तो यहाँ linkages family size के साथ भी है, लेकिन try to understand this thing. Fine, चलिए, और आगे और एक है, that is access to the water. अगर इमीडिएट एक्सेस, इजी एक्सेस है वाटर के साथ, तो फिर टॉयलेट यूज करने का ज्यादा, आप कह सकते हो, वहां इंसिडेंस होता है, ज्यादा यूज किया जाता है। इसके साथ साथ यूज ऑफ टॉयलेट इज ऑल्सो कहीं ना कहीं कनेक्टेड टू द कास्ट। ऑथर का कहना है कि इन अपर कास्ट स्लाइटली लेसर यूज ऑफ टॉयलेट इज डन विद रिस्पेक्ट एज कंपेयर टू लोअर कास्ट। लोअर कास्ट के लोग जो है, ज्यादा परसेंटेज ऑफ नॉन यूजर जो है, ओके, ये अपर कास्ट में है rather than in lower castes. Okay, so that is also author is saying over here. तो अगर ये सारा स्टडी हम देखा जाए, okay, तो what author is trying to say is कि behavior पे हमें ध्यान देना काफी important है. Okay, और इस behavior पे ध्यान कैसे दिया जाएगा, we'll have to make sure, okay, कि people will have some sort of social movement, जो already हमारा government काफी अच्छा उसमें काम कर रहा है, कि where even if the ये behavior उनका है इतने दिन का, कि toilet नहीं use करना है, प्यूरिटी पोल्यूशन का अगर कोई कॉन्सेप्ट है, तो स्टिल दे शुड बी एबल टू यूज दिस, दे शुड बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अवेयरनेस क्रिएट करना काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, क्वालिटी का इशू हमें एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। थर्ड है, जहां हाउस होल्ड में, बिगर हाउस होल्ड से अगर बिगर फैमिलीज आर देयर, ओके, तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द मल्टीपल टॉयलेट्स ओवर देयर, इवन, ओके, मल्टीपल टॉयलेट्स, तो एक की जगह दो टॉयलेट शायद हो सकते हैं, और अच्छी बात वहां पे। ओके, तो इस तरीके से इस मिशन को हम और नेक्स्ट लेवल पे इसका सक्सेस पा सकते हैं, दैट्स व्हाट ऑथर इज सेइंग। ओके, चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर, और ये भी एडिटोरियल सेक्शन से है, दैट इज रोड टू द हेल्दी डेमोक्रेसी। ओके, तो जनरली क्या होता है कि काफी हेल्थ केयर के रिगार्डिंग हमारे आर्टिकल्स होते हैं, द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में, दे आर हाईली क्रिटिकल ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर वो आर्टिकल आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है कि इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम तो कंप्लीटली कोलैप्स सिस्टम है। ओके, और कुछ रिस्पेक्ट में एक सही भी है, देर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज ऑल्सो इन हेल्थ केयर सिस्टम, बट इस आर्टिकल में कुछ हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में अच्छी चीजें भी लिखी गई है।
जो करंट हमारे अचीवमेंट्स है हेल्थ केयर सेक्टर में, पोटेंशियल जो हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा इंडिया का है, इसके बारे में भी कुछ कुछ चीजें लिखी गई है. तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. ओके, सो द आर्टिकल स्टार्ट्स विद द विजन ऑफ इंडिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि बाय 2047 ओके आर गवर्नमेंट हैज अ एम दैट इंडिया शुड बी अ डेवलप्ड कंट्री. ओके, इंडिया शुड बी अ विकसित भारत. ओके फाइन. एंड इंडिया अब ऐसे मोड पे है कि जहां हम कह सकते हैं कि जिस लेवल पे आज हम हैं, शायद यहां से हमारे पास सबसे अच्छा चांस है कि वील बिकम अ डेवलप्ड कंट्री. ओके फाइन, बिकॉज आर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज एक्सपांडिंग एट वेरी हाई पेस. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप हैज इंक्रीज्ड, लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स आर कमिंग, लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन स्टार्टअप्स इज गेटिंग क्रिएटेड, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग. ओके, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आर गेटिंग क्रिएटेड ओवर हियर. ओके, चंद्रयान जो है ये हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया है, हमारे पास यूपीआई जैसी सर्विसेस है, आधार लिंकेजेस है जो ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड अब फॉलो करना चाहता है कहीं ना कहीं, जो यूपीआई जैसी सर्विसेस है. फाइन, तो ये सारा कहीं ना कहीं हमारा सक्सेस स्टोरी इंडिया का बताता है, और इसी को अगर हम यूज करें, इसी पेस के साथ आगे जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली बाय 2047 विल बिकम द डेवलप्ड कंट्री. ओके, बट इसमें ऑफकोर्स एक काफी इंपॉर्टेंट बेसिक एस्पेक्ट है द ऑथर सेज कि इस सबका फाउंडेशन जो है ओके ये है हेल्थ केयर. अगर आपका पॉपुलेशन हेल्दी होगा तभी ये सारे अचीवमेंट हम कह सकते कर सकते. ओके, अब इंडिया को एक एडवांटेज है, व्हाट इज दैट, दैट एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमारे पास एडवांटेज है, वी हैव 1.4 बिलियन पीपल इन इंडिया, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और उसमें अगर इंडिया का मीडियन एज देखा जाए तो इट इज ओनली 29. ओके फाइन, तो वी हैव वेरी यंग पॉपुलेशन जो वर्किंग एज होता है, जनरली क्या होता है कि 0 to 15 ईयर्स. ओके, और उसके बाद ऑलमोस्ट आप 60 से आगे जो ईयर्स होते हैं ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है. जनरली इसको इकोनॉमिकली इतना प्रोडक्टिव नहीं माना जाता है, लेकिन इंडिया के पास जो आप कह सकते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से ओके आज यंग एज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है जो इकोनॉमिकली काफी प्रोडक्टिव हो सकता है, बट दिस कुड बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ओनली इफ दे आर हेल्दी. ओके फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लेकिन इशू ये है कि आज इंडिया में, इंडिया का मतलब नाम इस तरीके से देखिए कैसे इनफेमस हो चुका है कि वी हैव दिस ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. अगर इंडिया देखा जाए तो एक तरीके से वर्ल्ड की ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल है, हर तरफ इंडियंस है इन एवरी सेक्टर. Outside India also we are actually sending in, our Indians are going and they are doing a quite good work over there. Okay, लेकिन इसी के साथ साथ इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है. क्यों? बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 101 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स, 136 मिलियन प्री डायबिटिक पेशेंट्स. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जिसको हम हार्ट डिसीजेस कहते हैं, इसमें भी क्या है इंडिया का नंबर काफी आगे आता है. Okay. And cancer के patients भी इंडिया में काफी बढ़ रहा है. तो ये काफी सारे challenges है और इस चैलेंजेस को एड्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अचीव दिस विजन ऑफ विकसित भारत. ओके, हाउएवर ये चैलेंजेस के साथ साथ देर आर सर्टन अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. ओके, क्या अपॉर्चुनिटीज है? फर्स्ट थिंग कि अब डिसीज डिटेक्ट करना पहले से काफी इजी हो सका है, दैट्स व्हाट ऑथर इज सेइंग. ओके, कि पर्टिकुलर पर्सन की फैमिली हिस्ट्री देखना डिसीज की, उनकी जीनोमिक हिस्ट्री देखना, इससे हमें पता चल सकता है कि क्या पोटेंशियल डेंजर है किसी इंडिविजुअल के, आप कह सकते हो हेल्थ को. ओके, और इस पोटेंशियल डेंजर को पहले ही एड्रेस किया जा सकता है. तो क्योर करना, प्रिवेंशन करना इज इजी. व्हाई? बिकॉज वी कैन फाइंड द होल फैमिली मैप ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, व्हाट एवर डिसीज हिस्ट्री, ओके जीनोमिक हिस्ट्री, और फिर अब ये कर सकते हो. इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी भी है, दैट्स व्हाट ऑथर इज सेइंग. अपार्ट फ्रॉम दैट एआई इज ऑल्सो विल बी डूइंग वंडर्स ओवर हियर. ओके फाइन, सो दैट इज व्हाट ऑल्सो ऑथर इज सेइंग. इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि इंडिया के पास आज शायद ये सफिशिएंट नहीं है हेल्थ केयर सेक्टर, बट वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है. ओके, कैसे है इंफ्रास्ट्रक्चर? कि हमारे पास अच्छे, अगर आप देखना तो काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी है. वी हैव, वी कैन से लॉट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो इन इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में अगर देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल एज कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज, कॉस्ट जो होती है हेल्थ केयर की ये भी कम है. वी हैव प्रोबेबली द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड. ओके, अगर आप यूएस में जाओ और बाकी भी कंट्रीज में जाओ तो वहां इंडियन डॉक्टर्स ही वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स, सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर्स होते हैं, और इंडिया में भी इस तरीके से. ओके, और इस वजह से आप देखते हो कि ऑलमोस्ट
almost from 145 countries. Okay, people come to India for their medical treatment. Okay, तो काफी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो मेडिकल टूरिज्म का भी इंडिया हब इमर्ज हो रहा है. Okay, right? So, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज भी इंडिया के पास है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड दैट्स व्हाई वी कैन मेक आवर पॉपुलेशन मोर हेल्दी इन ऑर्डर टू अचीव द विकसित भारत. सो दोनों एस्पेक्ट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिए हैं, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. ओके, कोई आर्टिकल हम क्यों कवर करते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए, ये भी आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, एक तो एग्जाम का रिलेवेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. द हिंदू में शायद कितने सारे न्यूज है, लेकिन उसमें से 5-6 ऐसे न्यूज होती है हमेशा हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हर एडिटोरियल सेक्शन का आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट होता है ऐसा नहीं है. उसमें कितने सारे ऐसे एडिटोरियल सेक्शन के आर्टिकल्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते. वाई? बिकॉज समटाइम्स दे आर रिपीटेटिव, समटाइम्स दे हैव रिटन समथिंग बट सब्सटेंशियल कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है. काफी बार काफी बायस्ड होते हैं. तो कौन आर्टिकल लिखता है, किस तरीके का आर्टिकल होता है, ये भी समझना हमें काफी इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू कवर द करंट अफेयर्स इन मिनिमम टाइम. अदरवाइज आप तो न्यूज़पेपर तो 4 घंटा भी पढ़ लोगे उसमें क्या है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है. ओके, यू शुड बी एबल टू कवर द योर न्यूज़पेपर विद इन मे बी लाइक 45 मिनट्स में आपका न्यूज़पेपर कवर होना चाहिए. ओके, और इसके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कैसे आइडेंटिफाई करना है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है. ओके, चलिए इसी के साथ साथ आज की क्लास एंड करते हैं. थैंक यू.